डिफ्रेंशिएट फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल. तो एक फंक्शन दिया हुआ है साइन ऑफ 2x, हमें इस फंक्शन को फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड यूज़ करते हुए हमें डिफ्रेंशिएट करना है. तो मैं क्या करूँगा, मैं इस फंक्शन को जो कि साइन ऑफ 2x है, लेट करता हूँ इसको एफ ऑफ एक्स के, यानी जो साइन ऑफ 2x है किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के. और बाय डेफिनेशन जो फार्मूला हमने जनरेट किया था वो फार्मूला क्या था कि डी वाई बाई डी एक्स जो कि हम फाइंड करना चाह रहे हैं किसके बराबर है, लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ओफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ओफ एक्स डिवाइड बाई एच. तो अगर इस फार्मूले में देखें तो एफ ओफ एक्स हमें चाहिए और एक एफ ओफ एक्स प्लस एच की वैल्यू चाहिए. अब जो एफ ओफ एक्स है उसकी वैल्यू हमें पता है, हमने लेट की है जो एफ ओफ एक्स साइन ऑफ 2x. तो एफ ओफ एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, साइन ऑफ 2x. हमें क्या चाहिए, एफ ओफ एक्स प्लस एच की वैल्यू भी चाहिए. तो x की जगह हम क्या रिप्लेस कर रहे हैं, x प्लस एच. तो x की जगह हमने x प्लस एच पुट किया तो एफ ओफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या आ गई, साइन ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस एच. तो ये हमारे पास एफ ओफ एक्स प्लस एच की वैल्यू है, एफ ओफ एक्स की वैल्यू भी पता है, इसमें पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा. तो हम क्या करते हैं, हम इस एफ ओफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ओफ एक्स की पहले वैल्यू फाइंड करते हैं. तो एफ ओफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ओफ एक्स जस्ट वैल्यूज पुट की. अगर आप राइट हैंड साइड देखें तो राइट हैंड साइड को अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे लिए ज़्यादा आसानी होगी इस फार्मूले में पुट करने पे. तो अगर आप इस फार्मूले में देखें तो साइन ऑफ पी माइनस साइन ऑफ क्यू, हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है. अगर आपको याद हो तो आपने प्रीवियस क्लासेस में एक फार्मूला पढ़ा था कि साइन पी माइनस साइन क्यू. अगर आपके पास एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में जो फंक्शंस हैं तो उनको हम मल्टीप्लिकेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो जो फार्मूला हमारे पास है वो फार्मूला क्या है कि साइन पी माइनस साइन क्यू का फार्मूला टू ऑफ कॉस पी प्लस क्यू डिवाइड बाई टू इंटू साइन ऑफ पी माइनस क्यू डिवाइड बाई टू. तो उसी के मुताबिक हमारे पास फिर ये फार्मूला क्या बन जाएगा, टू कॉस ऑफ पी की जगह टू एक्स प्लस टू एच और क्यू की जगह टू एक्स. तो इसमें पुट कर दें क्या आ जाएगा, पी प्लस क्यू डिवाइड बाई टू और p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई टू. अब जस्ट हमें सिंप्लीफाई करना है तो ये किसके इक्वल आएगा, अगर आप देखें तो 2x प्लस 2x 4x और प्लस 2h एज इट इज डिवाइड बाई टू और ये माइनस 2x और प्लस 2x कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 2h डिवाइड बाई टू. अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो इन दोनों में से क्या कॉमन है, 2, और वो जो 2 है वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास एंगल क्या रह जाएगा, 2x प्लस h और यहाँ से 2 2 से कैंसिल, तो साइन का एंगल क्या रह जाएगा, h. तो हमारे पास जो एफ ओफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ओफ एक्स है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 cos of 2x प्लस h into sin of h. अब ये जो वैल्यू हमारे पास है जो कि न्योमिनेटर की है, हम इस फार्मूले में पुट कर देते हैं न्योमिनेटर में. तो अगर हम इस फार्मूले में पुट करें जो कि क्या हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर है, लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ओफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ओफ एक्स. तो इस जो न्योमिनेटर है इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आएगा. हमारे पास आ गया लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो टू कॉस ऑफ 2x प्लस h इंटू साइन ऑफ h. अब अगर देखें तो ये जो फंक्शन है हमारे पास साइन ऑफ h और जो कॉस का फंक्शन है ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो इसके नीचे जो हमारे पास h है वो हम सेपरेट कर सकते हैं किसी एक फंक्शन के साथ. तो अगर मैं सेपरेट करूं तो 2 कॉस ऑफ 2x प्लस h एज इट इज़ और साइन ऑफ h के डिनोमिनेटर में मैंने क्या रख दिया, h. यानी h को मैंने किसके साथ सेपरेट किया, साइन के साथ, साइन फंक्शन के साथ. बिकॉज लिमिट है तो लिमिट अप्लाई की तो इसके साथ सेपरेटली लिमिट अप्लाई हुई और जो साइन फंक्शन है उसके साथ सेपरेटली. तो अगर आप इसकी तरफ देखें कि लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन h डिवाइड बाई h, जो हमारे पास साइन का एंगल है
जो भी वैल्यू है वही डिवाइड हो रही है और वही जीरो को अप्रोच कर रही है। तो अगर आपको याद हो तो हमने चैप्टर नंबर वन में इस तरह के एक थ्योरम किया था, ये किसके बराबर होता है, वन के। तो हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं और यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं, जहाँ पर हमें एच नज़र आ रहा है वहाँ पर ज़ीरो पुट कर दें। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एच की जगह ज़ीरो आ गया और इस पूरी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, वन आ गई। वन इससे मल्टीप्लाई होगा तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, टू कॉज ऑफ, और एंगल उसका क्या, टू एक्स। यही हमारे पास आंसर है।